रजिया सुल्ताना से गति लेने के लिए खापो ने मदद की क्योंकि वो लेडी सही दिख रही थी। खापो औरंगजेब जब गति छीनने के चक्कर था तो दारा सिंह को उन्होंने सपोर्ट किया। इसी तरह 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो आगरा में 360 की पंचायत हुई थी, उसके बाद वो शुरुआत हुई थी। ये आपको इतिहास में कम मिल रहा है, कोई कारण है? लाल किला की नींव रखी थी तो हमारे प्रधान जी हैं, इनके पूर्व चौधरी करार सिंह ने नींव रखी थी क्योंकि उन्हें भी लोगों का सेंक्शन चाहिए था कि लोग तैयार है लाल किला बनाने के लिए। तो सल्तनत के टाइम पे भी जब अक्सर राजा को सुल्तान को ताज पहना जाता वो भी इसी तरह। खापो के इलाके में एक खास बात रही है, वो आप ये सब पढ़ने के लायक है कि जहाँ खाप रही है वहाँ एक खास आपको गुण मिलेंगे। सती प्रथा इस इलाके में कभी नहीं रही है। विडोरी मैरिज ये कस्टम है जो कि बाकी हिंदुस्तान में कभी देखने को मिलता है, सिर्फ खापो के इलाके में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं। यहाँ गाँव में आप जाइए, दलित की लड़की बहन होती है और कोई वॉन्टेड लेबर नहीं है। और इस केस में मैं आपको पब्लिश स्टडीज, एक चक्रवर्ती कॉल है 1990 में स्टडी पब्लिश हुई थी, उसने मेंशन कर रखा है कि दलित की कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी है। तो इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं। बॉन्डेड लेबर यहाँ नहीं था, बाकी हिंदुस्तान में बॉन्डेड लेबर क्या, यूरोप में भी बॉन्डेड लेबर था, सब दम था, यहाँ बॉन्डेड लेबर नहीं था। दलित को उसके मेहनताने पर पैसे दिए जाते थे। फ्यूडल लॉर्ड यहाँ नहीं थे। इगेलिटेरियनिज्म, भाईचारा कल्चर, गांव के अंदर शादी नहीं होगी, चाहे वो दलित की लड़की हो, ब्राह्मण की हो, जाट की हो, चाहे किसी की हो, गांव के अंदर शादी नहीं होगी, सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खाप आर्मी में हर जात का सोल्जर होता था। ब्राह्मणिज्म ने बाकी हिंदुस्तान को कितने रीजन बनाए हो, लेकिन जहां खाप के इलाके आपको मिलेगा कि यहाँ ब्राह्मणिज्म नहीं है, यहाँ ये खाम खा के रिजल्ट नहीं है। मैं आपको दिल्ली का एक उदाहरण बताता हूँ। संजावला के इलाके में जो काफी रूरल इलाका है, वहाँ पता लगा कि एसएफओ वहाँ पोस्टिंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वहां कोई भी झगड़ा हुआ गांव वाले आपस में सुलझा देते हैं और एसएचओ को कमाने को नहीं मिलते। ये मेरे दिल्ली का अपना मामला है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह बता पा। मैं दिल्ली के गांव से, उनका गांव से, यहाँ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करते हैं। यहाँ लड़ाई करके एक दूसरे को नीचा दिखाना वो नहीं है, इसलिए दंगल यहाँ खड़े थे उसको मल्ल योद्धा बोला जाता था। अगर किसी गांव को या इलाके को दूसरे से कमजोर या सुपीरियर सिद्ध करना हो तो दंगल होते थे। ये बहुत हेल्दी कल्चर, इसीलिए आज भी आपको ये पूरा हरियाणा पंजाब जहाँ भी ये गोत्र का या खापो का डेमोक्रेसी है वहाँ आपको खिलाड़ी सबसे ज्यादा मिलेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के थ्रू ये सब इवॉल्व हुआ है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड द बेस्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ गैंगिंग अप आपको नहीं मिलेगी। आपको हमारे इलाके का भी हरियाणा के लोग देखे हैं कि लड़े हैं, जो हरियाणा के लोगों ने मिलकर किसी को पीटा, रेयरली यू कम अक्रॉस दिस, क्योंकि गैंगिंग अप इज नॉट अलाउड, इज अनजस्ट। तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, ये कल्चर में है। पहलवान खाई में जाते हैं तो देखते भाई तुम्हारे वजन का है तो हाथ मिला, कमजोर या तगड़े को उसमें मत जाना कि हल्के से हाथ मिलाना। ये अगर ये दो आदमी मिलकर किसी को पीटते हैं तो यहाँ के कल्चर में कि उसको अन्याय बोला जाएगा, और तीसरा यहाँ के यही का आदमी आकर उनको छुड़ाएगा, भाई गलत कर रहे हो, और वो अकेले को छुड़ाएगा तो अकेला पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक थोड़ी रिसर्च की है कि मॉडर्न सिस्टम, लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, सरकारी पंचायत है, इसके विरुद्ध आपका जो सिस्टम है इसमें क्या हम अंतर देख सकते हैं? मॉडर्न सिस्टम ऑफ फॉर्मल है जबकि खाप इनफॉर्मल है। वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग मिलकर फैसला लेते हैं। वो सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है। वहाँ इंडिविजुअल्स के पास पावर है, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर है। नवीन जिंदल ने बहुत पहले बात की थी इंडिया इज नॉट ए डेमोक्रेसी, इट्स ए ब्यूरोक्रेसी। वो बात बिल्कुल ठीक भी था ने, और वो भी आज खाप की जगह, क्योंकि उसको भी पता है खापों में से पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में वो मधु जी भी अच्छी तरह देख चुकी है किस तरह सरकार के अंदर फैसले होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये खापों के अंदर इस तरह फैसले नहीं होते हैं। यहाँ लीडर के पास पावर नहीं है, लीडर फैसिलिटेटर है, इससे ज्यादा नहीं है, फैसला सब मिलकर लेंगे। अब्यूज ऑफ पावर होती है मॉडर्न सिस्टम में, करप्शन इसीलिए है। यहाँ कोई अब्यूज ऑफ पावर नहीं है, यहाँ प्रेजेंट सिस्टम में टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ बॉटम टू अप अप्रोच है। लोग फैसला लेंगे तो ऊपर वाले उसको कहेंगे। ये जो मॉडर्न सिस्टम है ये यूरोपियन रेवोल्यूशन से इवॉल्व करके आया है, वो अभी पूरी तरह प्योर डेमोक्रेसी के रूप में नहीं आया है। किंगशिप को चैलेंज किया था डेमोक्रेसी अटेंड करने के लिए, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में ही रह गया। 5 साल तक एमपी एमएलए बनता है, वो मनमानी करता है क्योंकि पीपल हैव नो राइट है। लेकिन खाप इज ए सिस्टम जो कि नीचे से ऊपर उठा है, ग्राम सभा से खाप बनी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और लोग जो चाहेंगे वही होगा। वो कैंटोन कम्यून जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली यही है।
कि अगर वहां की खाप या वहां के लोगों ने फैसला लिया कि हमें कानून बदलाव चाहिए तो कानून बदलाव सरकार को करना पड़ता है। यूएसए में जैसे कंपनी थी वॉलमार्ट, उन्होंने ओरेगन में दुकान खोली जाए तो ओरेगन के मेयर ने पूरे ओरेगन शहर के लोगों को बुलाया, आप आइए और बताइए कि वॉलमार्ट को दुकान खोलने दें। शहर के सब लोग इकट्ठे हुए, मैं यही कहूंगा कि जैसे यहाँ खाप इकट्ठे थे शहर की सारी खाप इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं वॉलमार्ट आगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो सब कुछ बेचते हैं और वॉलमार्ट वहां नहीं खोल पाई। वही वॉलमार्ट हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी एक साइन करके कहते हैं आप हिंदुस्तान में दुकान खोलिए। ये कल्चर खाप की और ब्यूरोक्रेट की कल्चर है। और ब्राजील में अभी नया एक्सपेरिमेंट है, वर्कर्स पार्टी ने पोर्टो के शहर में एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वहां जहाँ उतने ही पैसे में जो काम होते नहीं 10% काम होते थे उससे कम पैसे में 90% काम होने लगे। थोड़ी डिटेल की बात है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा। और आज बड़ा दुख की बात है कि ऑनर फिलिंग खाप की हो रही है।